कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि जब सरकार में थी तो उन्होंने पूरे देश प्रदेश में भूमाफिया, जंगल माफिया, ओला माफिया और अब जब चुनाव हो चुका है तो टिकट माफिया के नाम से जग जाहिर हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी, जब सरकार में थी तब उन्होंने पूरे प्रदेश में भू माफिया, शराब माफिया, जंगल माफिया, कोयला माफिया और अब जब चुनाव हो चुका है तो टिकट माफिया के नाम से जग जाहिर हो चुका है। इनके वास्तविक चेहरे अब सामने आ रहे हैं। मैं भूपेश बघेल से और दीपक भाई से पूछना चाहता हूँ कि हमारे ST/SC वर्ग के जो खल्लारी और राजनांद गांव के महिला नेत्रियों को आपने पैसा लेकर के टिकट देने की बात कही और लाखों रुपए का जिस तरीके से हेरा फेरी की, शर्माती है आपकी राजनीति पर। आपने पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ को शर्मसार किया है। आपको जवाब देना होगा छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में किस तरीके से आपने दुर्व्यवहार किया, किस तरीके से लोगों को छलने का काम किया है। ये तो जग जाहिर था, लेकिन इसके साथ साथ आपने अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं छोड़ा। तो इससे सीधा सीधा तय होता है कि आपकी निष्ठा केवल और केवल गांधी परिवार के प्रति है। राहुल गांधी का कितना हिस्सेदारी था, कुमारी सैलजा का कितना हिस्सेदारी था, इसका पूरा हिसाब आपको जनता के बीच में लाना चाहिए।